करी। पहले जीतनराम मांझी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, अब नीतीश कुमार जिन्हें कल भीष्म कह दिया था जीतनराम मांझी ने, और इशारों इशारों में ये कह दिया था कि द्रौपदी वो हैं जो महादलित हैं जिन्हें सीएम पद से हटाया जा रहा है, इशारों इशारों में नीतीश कुमार को भीष्म कह दिया था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक चंदा जुड़ रहे हैं। 2 बजे बैठक बुलाने के बाद कैबिनेट की जीतनराम मांझी नीतीश कुमार से अचानक से मिलने के लिए क्यों पहुंचे हैं अभिषेक? आचल पटना में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है, हर पल जो चीजें हैं वो बदल रही हैं। अब से कुछ पल पहले तक जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार आपस में सुलह करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब से केवल कुछ पलों पहले ही एक अन्य मार्ग जो कि बिहार के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां से जीतनराम मांझी अपने कारगेट के साथ बगल में नीतीश कुमार के घर उनसे मिलने पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उन्होंने बुलावा भेजा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के जरिए, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की कोशिशें बहुत तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार झुकते नजर आ रहे हैं, जीतनराम मांझी एक बहुत बड़ा फिगर तेजी से बिहार की राजनीति में उभर चुके थे पिछले 8 महीनों में, और जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को कई बार सोचने पर मजबूर भी कर दिया था। अब से केवल कुछ मिनटों पहले तक हालात ये थे कि जेडीयू से जीतनराम मांझी को बर्खास्त भी किया जा सकता है, मुख्यमंत्री पद भी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, विधायक दल अपना नया नेता भी चुन सकता है, जीतनराम मांझी बीजेपी से भी मिल सकते हैं। कई परिस्थितियां थी, कई संभावनाएं थी जिन पर बात की जा रही थी। नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री बहुत ही इन्होंने की रोल अपनाया है नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी के बीच सुलह कराने के लिए। हमारे सामने ही कई बार नरेंद्र सिंह जो की कृषि मंत्री है बिहार में, वो नीतीश कुमार के घर पर भी जा रहे थे मिलने के लिए, जीतनराम मांझी के घर पर भी जा रहे थे मिलने के लिए, और इन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला अपनाया है। और शाम 5 बजे दिल्ली रवाना होने से पहले हो सकता है कि दोनों की सुलह की कोशिशें जो है वो बिल्कुल एक फाइनल स्टेज पर पहुंच जाए और हमारे पास ये समाचार आ जाए कि दोनों की बीच सुलह हो चुकी है। नहीं नहीं, लेकिन सुलह का फॉर्मूला क्या हो सकता है अभिषेक? आपने पूरा भाषण दे दिया, ये तो बताइए किस ग्राउंड पे दोनों के बीच सुलह हो सकती है? परिस्थितियां हैं बिहार में, केवल 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और नीतीश कुमार सारी चीजों को टटोल रहे हैं, बहुत ही गंभीरता से सारी चीजों पर उनको डिस्कशन की जा रही है। अगर जीतनराम मांझी को हटाया जाता तो जेडीयू के लिए बड़ा आत्मघाती कदम हो सकता था, और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी को खुद से मिलने का संदेश भिजवाया, और जैसे कि जीतनराम मांझी ने कबूल भी किया है। कुल मिलाकर फिलहाल जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है वो ये सामने आ रही है कि दोनों के बीच जो कॉम्प्रोमाइज की बातें हैं वो काफी हद तक क्लियर होती जा रही हैं। तो क्या जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं? क्या समझौता फॉर्मूला ये है या जीतनराम मांझी को हटा दिया जाएगा जो अब तक की खबरें थी? दीपक, कल रात जीतनराम मांझी ने नीतीश के 2 करीबी मंत्रियों को जो बर्खास्त किया था, संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि जीतनराम मांझी उस सिफारिश को वापस अगर नहीं लेते हैं तो उसके बाद विधायक दल जो है जीतनराम मांझी को अपना नेता बरकरार रखने पर शाम 4 बजे निर्णय ले सकता है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर के कल जो बयान सहरसा में जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ दिया था उस पर भी हो सकता है कि वो वापस आ जाए। तो कुल मिलाकर अगर 2 मंत्रियों की बर्खास्ती की सिफारिश को जीतनराम मांझी वापस ले लेते हैं तो दोनों के बीच सुलह बिल्कुल स्पष्ट हो सकती है। 2 मंत्री की बर्खास्तगी वापस, लेकिन आचल यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, अगर वो 2 मंत्री की बर्खास्तगी वापस ले भी लेते हैं तो क्या सुलह हो जाएगी? सुलह नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी, नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। ऐसे में सवाल यह आएगा कि क्या जीतनराम मांझी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू करने देंगे? नीतीश कुमार नहीं करने देंगे, पार्टी नहीं करने देगी, शरद यादव नहीं करने देंगे, लालू यादव नहीं करने देंगे, ये तमाम लोग नहीं करने देंगे। ऐसे में टकराव फिर बढ़ेगा। ऐसी सूरत में विधायक दल क्या करेगा? विधायक दल नया नेता चुनने को कहेगा। ऐसे में जीतनराम मांझी पूरी संभावना है कि बगावती हो जाए, बीजेपी उनको पिकअप कर ले और राज्यपाल का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। जाहिर सी बात है आज पूरे 24 घंटे के अंदर हमको दिल्ली की राजनीति के अंदर उठापटक देखने को मिल रहा है, वोटिंग हो रही है यहाँ पर, वहीं बिहार की राजनीति के अंदर भी हमको उठापटक देखने को लास्ट डिच अटेम्प्ट इसे माना जा सकता है। लेकिन फिर भी माफ कीजिएगा प्रदीप जी, ब्रेक के लिए रुकना है, लास्ट डिच अटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल कूद दीपक होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौट रहे हैं।